कहते हैं लिक्विड्स को आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इसीलिए इस अरेंजमेंट में एक एंड पर फोर्स लगाने पर दूसरा अपने आप मूव करता है। अच्छा, तो पाइप को बेंड करने पर क्या होगा? पाइप को बेंड करने पर पावर के ट्रांसमिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए यदि एक पिस्टन को एक इंच नीचे पुश किया जाए तो दूसरा पिस्टन एक इंच ऊपर की तरफ मूव करता है। अगर पिस्टन की संख्या बढ़ा दी जाए तो मान लीजिए एक तरफ चार पिस्टन है और दूसरी तरफ सिर्फ एक, तो सिंगल पिस्टन को चार इंच नीचे पुश करने पर चारों पिस्टन एक एक इंच ऊपर की तरफ मूव करते हैं, यानी चारों पिस्टन को बराबर पावर मिलती है। आइए जानते हैं कि पिस्टन का एरिया बदलने पर क्या फर्क पड़ेगा। छोटे पिस्टन को चार इंच नीचे मूव करने पर बड़ा पिस्टन एक इंच ऊपर जाता है। यहाँ पर दो बातों पर ध्यान दीजिए। पहली कि बड़े पिस्टन का एरिया छोटे पिस्टन के चार गुना के बराबर है और छोटे पिस्टन पर पिछले एक्सपेरिमेंट के मुकाबले चार गुना ज्यादा फोर्स लगाई गई है। इसी प्रिंसिपल पर मॉडर्न हाइड्रोलिक सिस्टम काम करते हैं जिसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक्स कॉमन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।